पुलिस और लुटेरा गिरोह के बीच मुठभेड़, दो बदमाशों को किया गिरफ्तार, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। फिरोजाबाद में पुलिस ने थाना मक्खनपुर क्षेत्र बिल्टीगढ़ बाईपास से लुटेरा गिरोह के दो बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो देशी तमंचा और बाइक बरामद की है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। देखिए अभी रात्रि लगभग 12 बजे के आसपास सीओ शिकोहाबाद और एसओ मक्खनपुर की टीम बिल्टीगढ़ चौराहे पे चेकिंग कर रही थी। उस समय एक बाइक पे दो व्यक्ति सवार थे और उस बाइक को रोककर चेक करने का प्रयास किया गया। वो रुके नहीं, भागे और उन लोगों ने हमारी टीम पे अटैक भी किया। हमारी टीम की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई और उसमें कुछ दूर जा करके वो बाइक लड़खड़ा के गिरी। वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा कि वहाँ पे एक जो बदमाश था वो भागने लगा, एक वहीं गिरा पड़ा था। हम लोगों ने तत्काल जो गिरा था उसको उठाकर यहाँ से हॉस्पिटल भिजवा दिया और जो भाग रहा था उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम पीछे कॉम्बिंग करने लगी। उसको भी दौड़ा के पकड़ लिया गया। जो घायल बदमाश था उससे पूछताछ की गई, उसने नाम अपना शिवा बताया। ये मैनपुरी का रहने वाला है और ये बताया कि पहले भी एक दो बार जेल जा चुका है। अभी जो ये बाइक थी, इस बाइक के बारे में पूछताछ की गई, वो भी कहीं ना कहीं से चोरी की गई थी। जब सघनता से उसकी जांच की गई तो ये मक्खनपुर से ही चोरी की गई बाइक थी। यहाँ असलाह बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पे अभी हाल में जो घटनाएं हुई थी उसमें भी ये शामिल बताए जा रहे हैं। बाकी इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।